हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम करा रहे हैं क्लास 11th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग एक। इसके गद्य खंड का अध्याय है विदाई संभाषण। ये पाठ हमारे सामने बालमुकुंद गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। तो आप सभी जानते हैं क्लास 11th में हमारे दो कोर्स चलते हैं, एक है कोर और एक इलेक्टिव। तो आज जैसे कि हम करा रहे हैं कोर, और दोनों ही कोर्सेज में बुक्स अलग अलग चलती हैं, तो आप ये देखिएगा कि आपके यहाँ कौन सा कोर्स चलता है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। तो हमने जैसे बताया कि कोर है, तो कोर में हमारी दो बुक चलती हैं, आरोह भाग एक और वितान भाग एक। इसके अलावा हमारी एक बुक और है जो कोर और इलेक्टिव और क्लास 11th और 12th में कंबाइंड तौर पर चलती है, वो है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। तो जैसा कि आज हम कोर एक पढ़ा रहे हैं, कोर का हमारी आरोह भाग एक पढ़ा रहे हैं, इसका हमारा गद्य खंड। ये बुक हमारी दो खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो सबसे पहले गद्य खंड। गद्य खंड के अभी तक हम तीन चैप्टर आपको करा चुके हैं, आज हम चौथा चैप्टर करा रहे हैं विदाई संभाषण। तो ये पाठ हमारे सामने बालमुकुंद जी ने प्रस्तुत किया है। इस पाठ का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके सभी सब्जेक्टिव हैं, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनमें जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो आपसे क्वेश्चंस जब आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे तो ये अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब कैसे पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता दूँ, ये दो तरीके से पूछे जाएंगे, पहला ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको करा दिया, अब सब्जेक्टिव भी आपके दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक आपका लघु प्रश्न हो सकते हैं और दूसरा हो सकता है निबंधात्मक। तो ये आप कैसे पता करोगे, ये आपके वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको पता रहेगा। जो आपका लघु प्रश्न रहेगा वो आपका क्या कहते हैं 25 to 30 वर्ड्स या 35 वर्ड्स तक रहेगा, लेकिन जो आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आपके रहेंगे 50 to 60 वर्ड्स के आसपास। तो अब आपको देखना है, यहाँ पर क्वेश्चंस तो हम कई सारे करा रहे हैं, बस आपको अपनी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग उन्हें छोटा बड़ा करना होगा, जैसे एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। अब ये करना आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जितना आप क्वेश्चंस और चैप्टर्स को पढ़ते हो उतना लिखने की कोशिश करो, तो बेहतरीन तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, पाठ के अंतर्गत भारत की जनता के स्वभाव पर क्या टिप्पणी की गई है। इस पूरे चैप्टर में जो है बालमुकुंद जी ने भारतीय जनता के बारे में जो टिप्पणी करी है वो आपको लिखना है। तो देखिए क्या दिया गया है, लेखक के अनुसार भारत की जनता उदार, सहनशील, कृतज्ञ, करुणाशील, क्षमाशील एवं श्रद्धालु है। अब क्या चीज़ समझ लीजिए, उदार है, यानी कि उसके अंदर उदारता, विनम्रता जो है दूसरों के लिए जो भाव है वो दिया गया है। सहनशील है, चीज़ों को जो है वो सहन करने की हिम्मत वो रखती है। देखिए ये कैसे उन्होंने बताया, अंग्रेजी सरकार इतना टाइम तक हमारे साथ में रही, हमारे ऊपर इतना सारा अत्याचार किया, लेकिन हमने वो सभी सहन किया ना, तो सहनशील है। कृतज्ञ है, किए गए उपकारों को मानती है। करुणाशील है, उसके हृदय में दूसरों के लिए जो है वो करुणा है, अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो वो भाव दूसरों को देखकर उसके अपने अंदर महसूस करती है। क्षमाशील है, लोगों को बहुत जल्दी क्षमा कर देती है। श्रद्धालु है, श्रद्धा रखने वाली, ये चीज़ है। भारत की जनता अत्याचारियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारियों की अधिक परवाह नहीं करती, बल्कि वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं तथा सब अत्याचारों को सहते रहते हैं। तो ठीक है ना, हम पे जो अत्याचार कर रहे हैं हम उन पर नहीं, हमें विश्वास है कि हमारी आस्था है कि ईश्वर हम पर दया करेगी। ठीक है, अब ये आप चीज़ बोलोगे कि भगवान तो खुद नहीं आते, भगवान किसी जरिए को बनाकर ही आगे भेजते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं कि किसी सिचुएशन को हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो हमने जो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए उसको हमने सहन किया, करते 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 एंड में ऐसा हुआ कि हमने क्रांतियाँ करी और उसके एवज में हमें आज़ादी मिली, तथा सब अत्याचारों को सहते रहते हैं। उनका विश्वास है कि ईश्वर ही उनका एकमात्र रक्षक अर्थात रखवाला है, अतः समय आने पर वही सारी विपदाओं को दूर करेगा। तो यहाँ पर ईश्वर के ऊपर आस्था का मतलब यह है कि आस्था, हाँ, ईश्वर हमको संबल प्रदान करते हैं, हमें शक्ति देते हैं और उस शक्ति का हम सही जगह इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में लेखक भारतीय जनता के स्वभाव की इन विशेषताओं की चर्चा व्यंग के रूप में ही करता है।
वह जन सामान्य पर व्यंग करके उनकी आंतरिक क्षमता एवं शक्ति को प्रेरित करना चाहता है ताकि वे जीवन की विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने का के लिए प्रयास करें। अब यहाँ पर ये चीज उन्होंने जो बालमुकुंद जी ने लेखक ने ये चीज इसलिए नहीं कही है कि वो भारतीय जनता की बड़ाई कर रहे हैं, वो एक व्यंग कर रहे हैं यानी कि आप पर तंज कर रहे हैं ताकि आप अपनी इन कमजोरियों को समझें और इनके खिलाफ काम करें। मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आस्था पर विश्वास रखें, आप जो है अगर आपके ऊपर गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध करिए, ठीक है। ये चीज करते हुए उन्होंने ये नहीं कि चुपचाप, ये उन्होंने दिया ना कि आंतरिक क्षमता एवं शक्ति को प्रेरित करना चाहता है, ये हमारे अंदर जो शक्ति है जो क्षमता है उसको प्रेरित करने के लिए उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ उनसे भारतीयों के सरल स्वभाव की चर्चा करते हुए कहा है कि यदि कोई शासक उनके साथ सद्व्यवहार करता है तो वह उसे युगों युगों तक याद रखते हैं तथा अपने गीतों में उनकी महिमा गाते हैं। और साथ ही उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई शासक, कोई राजा, कोई भी है, अगर हमारे साथ अच्छा करता है तो हम उसका हमेशा इस चीज़ का उपकार मानते हैं और हमेशा उसे जो है ना युगों युगों तक अपने गीतों में याद रखते हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे गीत हैं, कविताएं हैं, सब कुछ हैं जिनमें आज भी ऐसे बहुत से शासकों के नाम लिए जाते हैं। आप क्या कहते हैं, शिवाजी ले लीजिए, शिवाजी को याद किया जाता है, महाराणा प्रताप हैं उनको याद किया जाता है जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमारी सहायता करी है, हमें शक्ति दी है, प्रेरणा प्रदान करी। आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनके नाम लिए जाते हैं, होता है कि नहीं होता। ऐसे बहुत सारे गीत और कविताएं हैं जिनके नाम आज भी हम लोग लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्यों को स्पष्ट कीजिए। लॉर्ड कर्जन अंग्रेजी शासकों, जो अंग्रेजी सरकार थी उनका एक नुमाइंदा था जो यहाँ पर था, उसने बहुत सारे काम किए भारतीय जनता को प्रताड़ित करने के लिए, उनके विरोध के लिए काम किए, वो काम आपको यहाँ पर सारे बताने हैं। तो देखिए कैसे हमने पॉइंट्स में इनको दे दिया है। पहला है, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय जनता के हितों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्य किए। लॉर्ड कर्जन ने लोक इच्छा के विरुद्ध बंगाल विभाजन किया, बंगाल को विभाजित किया था भारत से, ये काम वहाँ की जनता नहीं, मतलब भारतीय जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी लेकिन कर्जन ने ये काम किया। फिर उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया, शिक्षा प्रणाली पर ऐसा वार किया कि लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा सके, भारतीयों को खास तौर से, भारतीयों की अभिव्यक्ति संबंधी स्वाधीनता को कम कर दिया। हम अपनी जैसे आजकल है, अब लोगों को अभिव्यक्ति की बहुत आज़ादी है, उनके मन में जो आता है वो बोलते हैं, सरकार के खिलाफ हो, किसी के भी बुरा हो, ये हमारी अभिव्यक्ति की, हमारे संविधान में ये आज़ादी हमको मिली अभिव्यक्ति की, आज़ादी की। तो वो ये आज़ादी उस समय लॉर्ड कर्जन ने ख़त्म कर दी थी, आप अपने हिसाब से चीज़ें नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, इवन लेखकों पर, क्या कहते हैं, प्रेस पर, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था अभिव्यक्ति की आवाज़। भाई जैसे हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो हम कोई लेख लिखेंगे या कुछ करेंगे उसके माध्यम से उठाएंगे ना, तो पहले तो भाई इस तरीके से नहीं होता था कि भाई हमने इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, हो गया, हमने अपनी बात कर दी। पहले ये जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, हम अखबारों में छपवाते थे, मैगजीन में छपवाते थे, इस तरीके से होता था, या हम खुद अपनी कोई बुक छपवा कर कोई चीज़ें करें। तो ये आज़ादी को ख़त्म कर दिया क्योंकि इन सभी पर सरकार का प्रतिबंध हो गया था, अगर कोई लेखक उनके खिलाफ लिखता था तो उस पर भी कार्यवाही की जाती थी। भारतीयों की इच्छा अनिच्छा के विरुद्ध मनमाने ढंग से शासन किया। भाई भारतीयों के ऊपर क्या अच्छा, भाई कोई भी शासक अगर शासन करता है तो ये देखता है कि हमारी जनता को क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, वो उसके हिसाब से शासन करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से शासन किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ की जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपने हिसाब से शासन करना शुरू किया कि नहीं, हमें किससे फ़ायदा है, अंग्रेजी सरकार को किस चीज़ से फ़ायदा है, इससे उन्होंने देखा, जनता कितनी पिस रही है, कितना उसको तकलीफ हो रही है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई तो सबसे पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी प्रेस जो है वो सरकार के विरुद्ध कोई भी चीज़ छाप नहीं सकता था, और अगर ऐसा होता था तो उस पर कार्रवाई, यानी कि उस प्रेस को बंद कर दिया जाता था। अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया, अंग्रेज पूरे भारत में तो थे ही थे लेकिन उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति के मन में अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा डर बैठाया कि वो उनके खिलाफ कुछ ना बोल सके ना कह सके।
देश के संसाधनों पर अंग्रेजी हित में प्रयोग किया। इस देश में बहुत सारे संसाधन, अब देखिए भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय बहुत ही बुरी कंडीशन में था, खाद्यान्न खाने पीने की चीज़ें हों, आप डेवलपमेंट हर चीज़ में इतना पीछे था जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आज हम लोग बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ में रह रहे हैं। अब आज से आप 70-75 साल पीछे चले जाओ तो जो कंडीशन भारत की थी उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। लोग भुखमरी की कगार पे थे क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्न नहीं था। क्यों नहीं था, ऐसा क्यों था? अब ये एक बैग तो ख़त्म नहीं हुआ कहीं अंग्रेज सरकार एकदम से, अब जब यहाँ से गई तो सब कुछ अपने साथ लेकर गई। लूट तो वो पूरी तरीके से भारत को चुकी थी, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, तो यहाँ से सब कुछ सोना जितने सब कुछ लूट के वो लेके जा चुकी थी। यहाँ से खाना पीना जो खाद्यान्न जो उगता था यहाँ पर वो भी मोस्टली यहाँ के लोगों को नहीं मिलता था। वो क्या करती थी, सब जो है पैक करवा के जो नावों के जहाज़ों के थ्रू जो है वो अंग्रेज ब्रिटेन पहुँचा दिया जाता था। यहाँ की जनता के पास खाने के लिए नहीं रहता था। तो अब ये धीरे 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 साल दर साल चीजें हुई, तो वही चीज़ उन्होंने देश के संसाधनों पर अंग्रेजी ही हित का प्रयोग किया, अंग्रेजी हित के लिए प्रयोग किया। जितने संसाधन हैं, आप यहाँ पर कोयला मिलता था, कोयला आप ले जाइए, जो दलहन तिलहन होता था वो सारे लेके जाते थे। आप यहाँ के जितनी भी सोना जवाहरात हीरे जितने राजा महाराज सबके सब छीन लूट पाट के सब लेकर चले गए। इतने क्या कहते हैं, इतने मॉन्यूमेंट्स बने थे उनमें जितना सोना और हीरे जवाहरात जितने जड़े थे वो सारे खुद खुद के लेकर चले गए, मतलब कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा था। प्रश्न संख्या 3 है, लॉर्ड कर्जन मूलतः जन विरोधी थे, सिद्ध कीजिए। उनका जो शासन था वो यहाँ की जनता को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता था, वो सिर्फ अंग्रेजी हित को ध्यान में रखकर शासन करते थे, इसलिए इसको जन विरोधी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब उनको इस चीज से मतलब ही नहीं था। लॉर्ड कर्जन मूल रूप से जन विरोधी शासक थे, वे अपनी मनमानी करते थे, ब्रिटिश शासन की नजरों में वे श्रेष्ठ शासक सिद्ध होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत की जन सामान्य की शक्ति को कम करने तथा भारतीय संसाधनों से ब्रिटिश हितों की पूर्ति करने के विभिन्न उपाय किए। यानी कि भारतीय जितने संसाधन थे उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अंग्रेजी हितों को ही पूर्ण करने की कोशिश करी। भारतीयों की भावनाओं को जानबूझकर अनसुना किया तथा अनेक ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जिनसे भारतीयों की उन्नति होने की अपेक्षा उनकी शक्ति कम हो। यानी कि ऐसी नीतियां लागू करते थे, अब जैसे छोटी सी बेसिकली चीज ले लो, जो लगान होता है, लगान मतलब टैक्स, आजकल हम लोग हर चीज में टैक्स देते हैं, पहले खेती पर बहुत टैक्स लगता था, वो टैक्स जो है 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक कर देते थे कि जितना खाद्यान्न हो रहा है वो पूरा का पूरा उन्हीं के पास चला जाता था। तो ये उनकी क्या थे, उनकी उन्नति तो हो ही नहीं पाती थी, बल्कि उनकी शक्ति, उनको साल भर खाने के लिए खाद्यान्न नहीं रह पाता था। तो एक तरीके से उनको हमेशा दबाए रखना, उनका पतन करना, यही उनका एक काम था, बस अंग्रेजों के हित में वो कार्य किया करते थे। प्रश्न संख्या 4 है, लॉर्ड कर्जन की इच्छा क्या थी, उसका क्या परिणाम हुआ। लॉर्ड कर्जन की विदाई जब यहां से हुई तो उसका सबसे बड़ा कारण था उनकी एक इच्छा, उस इच्छा के परिणाम स्वरूप ही उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा था, अंग्रेजी सरकार ने उन्हें यहां से जाने के लिए कह दिया। तो देखिए क्या था, लॉर्ड कर्जन की इच्छा थी कि वह भारतवर्ष में पनपने वाले सारे विरोधों एवं संघर्षों को कमजोर कर दे। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें गहरी बनाने के लिए उन्होंने बंग भंग की योजना बनाई। तो आप बंग भंग का मतलब समझ गए ना, बंगाल विभाजन, बंगाल भंग, भंग मतलब किसी चीज को तोड़ना, तो बंगाल को जो है वो भारत से अलग करने का काम उन्होंने किया, बंग भंग की योजना बनाई ताकि बंगाल में उत्पन्न होने वाला राजनीतिक विद्रोह फिर से सिर ना उठा पाए। लेकिन वास्तव में इसका परिणाम लॉर्ड कर्जन की इच्छा के बिल्कुल विपरीत हुआ। उन्होंने यहाँ सारे काम तो किए कि अंग्रेजी सरकार के उसमें, लेकिन जो है ये परिणाम इसका बिल्कुल भी विपरीत हुआ। क्या हुआ, बंगाल के लोग बंग भंग की योजना से शांत होने की अपेक्षा और अधिक क्षुब्ध एवं उग्र हो गए। उन्होंने सोचा कि भाई चलो हम अलग कर देते हैं तो बंगाल में जो इतना विरोध हो रहा है उससे जो है पूरा भारत प्रभावित नहीं होने पाएगा। लेकिन अब उसके उल्टा क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि हम अलग कर देंगे तो यहाँ के लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन इसके विपरीत वो और ज्यादा उग्र हो गए। चारों ओर अशांति फैल गई और स्वतंत्रता की आग पहले की अपेक्षा और अधिक भड़क गई। अब यह बंगाल तक ही सीमित न रहकर पूरे देश में फैल गई। अब उन्होंने बंग भंग सिर्फ इसलिए किया था कि भाई जो बंगाल में जो
इतना आग भड़क रही है स्वतंत्रता की, उसको अगर हम अलग कर देंगे तो इसकी वजह से वो आग पूरे भारत में नहीं फैलेगी। लेकिन परिणाम विपरीत हुआ, उन्होंने बंग भंग कर दिया तो ये जो आग है स्वतंत्रता आंदोलन की आग, वो और ज्यादा भड़क उठी और पूरे देश को उसने अपने कब्जे में ले लिया। ये उसका परिणाम। और इसी का विपरीत असर ये हुआ कि यहाँ से लॉर्ड कर्जन की विदाई का पहली नींव यहीं से पड़ गई। ठीक है, ये मैंने बोला था ना अभी कि किस तरीके से उनकी विदाई, मतलब उस उनकी विदाई, ये काम होने के बाद अंग्रेजी सरकार इनसे बहुत ज़्यादा खफा हो गई और खफा होने के कारण पहला मनमुटाव अंग्रेजी सरकार और कर्जन के बीच यहीं से शुरू हुआ। किया तो उन्होंने अच्छा सोच के था, लेकिन ये उल्टा दांव पड़ गया और अंग्रेजी सरकार इनसे खफा हो गई थी। प्रश्न संख्या 5 है, बिछड़ने का समय बड़ा ही करुणोद्दीपक होता है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अबाल मुकुंद जी ने जब ये पाठ लिखा तो ये विदाई संभाषण है। विदाई संभाषण का मतलब आप समझते हो ना, कि जब कोई विदा हो रहा है तो उसके संबोधन में जो बातें कही जाती हैं वो विदाई संभाषण होता है। अब ये जो विदाई संभाषण दिया जा रहा है किसके विदाई में, लॉर्ड कर्जन भारत छोड़कर जा रहे हैं। तो अब लॉर्ड कर्जन ने इस भारत को हमेशा डिस्ट्रॉय करने का ही काम किया, उसकी अच्छाई के लिए कभी काम नहीं किया। लेकिन जब वो जा रहे थे, जाने की क्षण जो है किसी का भी, चाहे अच्छे आदमी का हो चाहे बुरे आदमी का हो, वो हमेशा जो है हमारे दिल में करुणा ही पैदा करता है, यानी कि हमें उस जाने वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा सा अफसोस रहता है। तो ये लॉर्ड कर्जन जो एक बुरा व्यक्ति था, वो जा रहा था, तब भी वो हमारे दिल में करुणा को पैदा कर रहा था। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसमें आशा निराशा, प्रेम विरह, मिलना बिछड़ना, सुख दुख आदि लगा ही रहता है। इसके बावजूद मनुष्य जहां प्रेम, मिलन, आशा, सुख आदि सकारात्मक स्थितियों से प्रसन्न होता है, वहीं विरह, निराशा आदि की स्थितियों से दुखी हो जाता है, करुणा से भर जाता है। यह स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर अच्छा है तो जाहिर सी बात है प्रेम स्नेह की भावना हमारे साथ रहेगी रहेगी, बुरा होगा तो हमारे साथ घृणा की भावना रहेगी, लेकिन एक ना एक भावना तो हमारी उस व्यक्ति के साथ जुड़ी ही रहती है। अब वो व्यक्ति जब हमसे जुदा होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, वो जब हमसे दूर होता है तो हमारे मन में करुणा का पैदा होना तो एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन जिस व्यक्ति से हम घृणा कर रहे थे, वो व्यक्ति जब हमसे विदा होता है तो कहीं ना कहीं एक भावना का संबंध टूटता है हमारा। तो उस समय भी हम कह रहे हैं 10% हम प्यार करने वाला जब हमसे जुदा होता है तो हमको बहुत तकलीफ होती है, तो जब हम घृणा जिस व्यक्ति से करते हैं जब वो हमसे विदा होता है तो 1% वो करुणा हमारे दिल में ज़रूर आती है, क्योंकि अब हमें पता है कि इसके जाने के बाद वो घृणा का भाव हम किसके प्रति रखेंगे। तो वही चीज उन्होंने बताई कि क्या कहते हैं, इसके बावजूद मनुष्य जहां प्रेम, मिलन, आशा, सुख आदि सकारात्मक स्थितियों में प्रसन्न होता है, वहीं विरह, निराशा आदि स्थितियों में वह दुखी भी होता है। व्यक्ति चाहे जैसा हो, जब हमसे दुखित होगा, जब हमसे अलग होगा, तो हमारे मन में उत्पन्न होने वाली विरह की वेदना हमें तकलीफ देती ही है। इसी कारण कहा जा सकता है कि बिछड़ने का समय बड़ा ही करुणोत्पादक होता है। लेखक अपने कथन के प्रमाण में दो गायों की चर्चा करते हुए कहता है कि जब कमजोर गाय को हमेशा सताने वाली शक्तिशाली गाय से उसे अलग किया गया तो कमजोर गाय ने खाना तक नहीं खाया। बिछड़ने का दुख तो पशु पक्षियों में भी होता है, फिर भी मनुष्य इससे अलग कैसे रह सकता है। अब इस स्थिति को उन्होंने दर्शाने के लिए एक चीज बताई कि भाई दो गायें थी, एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी, एक कमजोर थी। अब शक्तिशाली जो थी वो कमजोर को सताती थी, भाई ये प्रकृति का नियम है, जो शक्तिशाली है वो कमजोर को सताएगा, ये सताएगा। अब वो उसको सताती थी, ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को अलग किया गया तो जो कमजोर गाय थी वो उसने खाना छोड़ दिया, क्योंकि भाई माना कि वो हमको परेशान कर रही थी, लेकिन थी तो हमारे साथ ना, इतना टाइम तो उसने हमारे साथ बिताया। तो यहाँ पर जो विरह की स्थिति है वो पशु पक्षियों को जो प्रभावित करती है, तो मनुष्य को तो नेचुरल रूप से ही प्रभावित करेगी। प्रश्न संख्या 6 है, नर सुल्तान का गुणगान क्यों किया जाता है। इस पूरे पाठ में नर सुल्तान का भी एक उल्लेख जो है बाल मुकुंद जी ने प्रस्तुत किया है, वो क्या है देखिए। नर सुल्तान एक राजकुमार था, उसने अपनी विपदा के कुछ वर्ष नरवगढ़ नामक राज्य में गुजारे।
उसने वहां चौकीदार से लेकर ऊंचे पदों पर कार्य किया। अब ध्यान समझिएगा कि एक राजकुमार था जो उसके जब उस पर विपदा आई तो उसने दूसरे राज्य यानी नरवगढ़ में जाकर अपना कुछ समय गुजारा। अब उसने वहां पर, अब वो राजकुमार था, चौकीदार से लेकर ऊंचे पदों तक उसने काम किया। जब वह नरवगढ़ छोड़कर जाने लगा तो उसने नरवगढ़ की भूमिका तथा उसके निवासियों के प्रति असीम स्नेह प्रकट किया। अब जब वो वहां से जाने लगा तो भाई जिस स्थिति में वो यहाँ आया था और आज जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन था, तो जाहिर सी बात है आभार प्रकट करना तो जाहिर बनता है। तो उसने वही किया, वहाँ पे सभी लोगों के प्रति उसने आभार व्यक्त किया, स्नेह व्यक्त किया। उस स्नेह को देखकर नरवगढ़वासी मुग्ध हो गए। तब से वे अपने गीतों में नरसुल्तान की महिमा का गुणगान करने लगे। यानी कि जो व्यक्ति हमारे लिए स्नेह दिखाता है हम उसको बढ़ चढ़कर स्नेह देते हैं। ये बात वहाँ के लोगों ने जाहिर करी कि नरवगढ़ का जब राजकुमार वहाँ से जाने लगा तो उसने स्नेह दिखाया और उसके बदले में वहाँ के लोगों ने अपना स्नेह अपने गीतों के माध्यम से उसके नाम हमेशा के लिए याद रखते हुए उसके प्रति अपने सम्मान और अपने प्रेम को व्यक्त किया। प्रश्न संख्या 7 है, लॉर्ड कर्जन की किन नीतियों से भारतीय परेशान थे? बहुत सी नीतियां थी, उसने एक्चुअली कोई काम ऐसा किया ही नहीं कि भारतीय खुश हों। तो कौन कौन सी नीतियां थी, देखिए लॉर्ड कर्जन निरंकुश सत्ता के पक्षधर थे। निरंकुश सत्ता का मतलब आप समझते हैं ना, जिस पर किसी का वश ना हो, हम जैसा चाहें वैसा राज्य चलाएं। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार का ही शासक बनकर वो यहाँ काम कर रहा था, है ना। तो वो ये चाहता था कि उस पर किसी तरह का कोई अंकुश ना रहे और वह वहां पर काम करे। वे सुधारों के नाम पर विभिन्न आयोगों का गठन करते और हर तरह से अंग्रेज अधिकारियों का वर्चस्व चाहते थे। बहुत सारी उन्होंने समितियां गठित करी लेकिन हर जगह उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों का ही अधिकार करना चाहा कि बस अंग्रेज का ही हक हो, वहां पर भारतीयों को उन समितियों में वे रखते नहीं थे। जनता की भलाई के लिए उन्होंने कभी एक काम भी नहीं किया। वे बड़े ही जिद्दी स्वभाव के थे, उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा थी बंगाल का विभाजन, जिसे करोड़ों की प्रार्थना के बाद भी उनके अरियल स्वभाव ने अंजाम दिया। जब बंगाल विभाजन का उन्होंने फैसला किया तो बहुत करोड़ों जनसंख्या के लोगों ने जो है करोड़ों लोगों ने इसका विरोध किया, प्रार्थना करी कि मत करिए, लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना और बंगाल का विभाजन कर दिया। इन्हीं नीतियों के कारण भारत के लोग लॉर्ड कर्जन को नापसंद करते थे। भाई जब आप यहाँ शासन कर रहे हो, ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे बनकर हो, तो कम से कम यहाँ पर जो लोग जिनके ऊपर आप शासन कर रहे हो उनके ऊपर तो ध्यान रखो, उनकी भी तो बातों को सुनो। उसने इन सब में किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ अपना ही ध्यान चाहता था किसी तरीके से, जितना हो वो बस हम अपने हिसाब से काम करें, जो मेरी मर्जी। प्रश्न संख्या 8 है, इस्तीफे का ऐलान लॉर्ड कर्जन के गले की हड्डी बन गया था, पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। वो अपना एक व्यक्ति जो है चाहते थे कि वो शासन में स्थापित करें, सरकार ने मना कर दिया, तो उन्होंने बोला कि अगर आप स्थापित नहीं करोगे उनको चयनित तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब जब उन्होंने ये बात कही तो ये उनके गले की हड्डी बन गई, क्योंकि सरकार ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया था, ठीक है ना। तो यही ये बात हुई थी, यही उनके गले की हड्डी बनी। लॉर्ड कर्जन का प्रथम कार्यकाल 1899 से 1904 तक था। वो दो बार आए थे, पहले कब आए थे, 1899 से 1904 तक। उसे ब्रिटेन ने अपने पक्ष में अच्छा मानकर उन्हें पुनः सन 1904 में भारत भेज दिया। दोबारा फिर से 1904 से उन्हें फिर से कहा कि नहीं आपने पहले अच्छा काम किया, फिर से जो है भारत में ही रहो। इससे कर्जन का अहंकार और निरंकुशता और बढ़ गई। भाई पहले जो था, जब सरकार ने उनके ऊपर और ज़्यादा दिखाया तो उनको अहंकार आ गया कि नहीं भाई मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ। तो इस वजह से वो अहंकार बढ़ा तो निरंकुशता भी बढ़ी उनकी। उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ लोगों यानी कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की थी, ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की मांग की थी, जिसे ब्रिटेन ने पूरा नहीं किया। इसके बदले कर्जन ने धमकी देने के लिए इस्तीफा देने की बात की। उन्होंने जब दोबारा जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें स्थापित किया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कुछ सैन्य अधिकारियां दी, ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की कि भाई हम चाहते हैं कि इन लोगों की नियुक्ति आप इन इन पदों पर कर दीजिए।
तो अंग्रेजी सरकार ने नहीं माना कि ठीक है हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो तो जब करजन को ये बात पता चली तो करजन ने बोला कि अगर आप इनको नहीं करोगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, दोबारा सरकार ने नियुक्त किया था तो उन्होंने बोला, उसने सोचा कि मेरे जैसा कुशल वायसराय जो चाहे कर सकता है, पर इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने इस्तीफा स्वीकार करके उन्हें वापस बुला लिया। अब क्या उन्होंने बोला कि ठीक है हम अगर इस्तीफा देने की बात करेंगे, चूंकि ब्रिटेन सरकार ने हमको यहाँ पे नियुक्त किया है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो अगर मैं इस्तीफा देने की बात करूँगा तो वो मान लेंगे इस बात में और मेरे मनमाने अधिकारी को पोस्ट करने देंगे यहाँ पर। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है भाई आपको अगर इस्तीफा देना है ठीक है इस्तीफा दो और वापस आ जाओ, और उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कहा कि वापस ब्रिटेन आ जाओ। अब करजन अपने ही किए में फंस कर रह गया, इस गले की हड्डी को ना निगलते बन रहा था ना उगलते ही। अब इसका मतलब क्या है, अब उन्होंने इस्तीफा देने की बात तो सिर्फ ब्रिटेन सरकार को धमकाने के लिए की थी ना, ब्रिटिश सरकार को धमकाने के लिए की थी, लेकिन अब सरकार ने जब उनकी इस बात को मान लिया तो अब चूंकि वो वापस भी नहीं जाना चाहते थे, यहीं रहना चाहते थे, और चूंकि वो ये बात कह चुके थे इस्तीफा देने की, तो उनको वो बात भी माननी पड़ी। तो अब ये चीज़ थी कि वो वापस नहीं जाना चाहते थे, यहीं रहना चाहते थे, इसीलिए ये उनके गले की हड्डी बन गई थी। बाद में पछताते हुए लौट जाने के सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब चूंकि वो बात कह चुके थे तो यहाँ रुक नहीं सकते थे, सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था, इसलिए उन्हें लौटकर वापस जाना ही पड़ा। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने करजन को समझाने के लिए किन लोक प्रचलित लघु कथाओं और गीतों का उदाहरण दिया है। करजन ने बहुत सारे, मतलब हम कह रहे बहुत सारे क्या, लगभग सभी काम जो हैं वो जनता के विरोध में ही किए, उसको सताने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए ही किए थे। तो उसको उसके कर्म को समझाने के लिए लेखक ने कई लघु कथाओं के बारे में उल्लेख किया है। अब वो बातें क्या है देखिए, लेखक ने पहले तो शिव शंभु की दो गायों बलशाली और दूसरी कमजोर, यानी बलवाली से मार खाकर भी उसे स्नेह करने वाली गाय पर लघु कथा लिखी। पहले तो उन्होंने उनके शिव शंभु के जो चिट्ठे हैं ना उसमें उन्होंने कई लघु कथाएं लिखी हैं। तो उसमें पहले का उल्लेख उन्होंने जो किया कि एक कमजोर जो बलशाली गाय है वो कमजोर को किस तरह परेशान करती थी, लेकिन जब बलशाली को हटा दिया गया तो कमजोर ने उन्हें खाना खाना तक छोड़ दिया था, पहली ये बताई। उसके बाद एक लोकगीत के राजकुमार सुल्तान ने नरवगढ़ में रहने और फिर विनम्र अष्टपूर्ति आज्ञा मांगने की भावपूर्ण स्थिति का वर्णन किया। दूसरा उन्होंने जो उल्लेख किया वो था नर सुल्तान का उल्लेख, कि किस तरीके से वो व्यक्ति जब वहाँ जाने लगा और अपनी स्नेह को व्यक्त किया तो वहाँ के लोगों ने उसे उतना ही स्नेह वापस करने के लिए अपने लोकगीतों में उसके नाम को हमेशा के लिए याद रखा। इसके माध्यम से लेखक करजन को समझाना चाहता है कि भारत के लोग कितने भावुक हैं, पर तुमने उनकी भावनाओं को जरा भी महत्व नहीं दिया, कि तुमने हमेशा यहाँ के लोगों के विरुद्ध ही काम किया, कभी यहाँ के लोगों के की अच्छाई के लिए काम नहीं किया, लेकिन जब आज तुम जा रहे हो तो वो तुम्हें उतनी ही भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मतलब भावभीनी विधाई दे रहे हैं, कि कैसे वे यहाँ पर बताना चाह रहे थे कि तुम चाहे कितने भी गलत व्यक्ति रहे हो लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ में ही उन्होंने तुम्हारे अच्छाई के लिए ही काम किया है। तुम सदा उन्हें दुख देते रहे तो आज तुम्हें भी मिला है, यह विडंबना ही तो है कि तुम उस दुख को व्यक्त भी नहीं कर सकते, यहाँ ही नहीं तुम वहाँ भी यानी इंग्लैंड में भी दुखी रहोगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तुमने ताउम्र यहाँ जब रहे तो तुमने यहाँ के लोगों को दुख दिया, बदले में तुमको वो दुख मिला। अब तुम यहीं नहीं, यहाँ से तो तुम दुखी होके जा रहे हो, इंग्लैंड में भी तुम हमेशा दुख ही रहोगे, ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई। प्रश्न संख्या 10 है, करजन की तुलना किन तानाशाहों से की गई है और क्यों। अब करजन की तुलना कई तानाशाहों से लेखक ने करी है, वो कौन कौन से हैं ये बताएंगे। करजन की क्रूरतम तानाशाह बताते हुए लेखक ने उसे कैसर, जार और नादिर शाह से भी अधिक क्रूर कहा है। ये ऐसे तानाशाह थे जिन्होंने हमेशा अपनी जनता को वो प्रताड़ित करने का ही काम किया, क्योंकि वो जो कुछ भी चाहते थे वो अपने हिसाब से ही करना चाहते थे। उनका कहना है कि रोम के तानाशाह कैसर और जार भी जनता के घेरने और घोटने से जनता की बात सुन लेते थे,
यानी कि जो जार थे कैसर, कि जब जनता उन्हें घेरती थी कि नहीं मेरी बात को सुनो, तो वो फिर भी उनकी बातों को सुन लिया करते ये थे। पर तुमने एक बार भी ऐसा नहीं किया। ईरान के क्रूर शासक नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह की प्रार्थना पर उसे रोक दिया। यानी नादिर शाह जब दिल्ली में कत्लेआम कर रहा था तो आसिफ शाह ने जब उन्हें प्रार्थना की कि नहीं ये कत्लेआम रोक दो, तो उसने उस कत्लेआम को रोक दिया था। इन सब के ऊपर निरंकुश लॉर्ड कर्जन ने तो करोड़ों की प्रार्थना को ठुकराकर बंगाल पर आरी चलाई। अतः लेखक उसे संसार का क्रूरतम तानाशाह कहते हैं, कि मतलब उन्होंने तीन तानाशाह के नाम लिए, कैसर, जार और नादिर शाह। कैसर और जार जनता के कहने पर रुक जाया करते थे, उनकी बातों को सुनते थे। नादिर शाह ने जब किया तो आसिफ शाह के कहने पर वो रुक गए। लेकिन तुम तो किसी के कहने पर नहीं रुके, तुम्हारे सामने करोड़ों लोगों ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया, तुम्हारे सामने प्रार्थना करी, लेकिन तब भी तुमने बंगाल विभाजन कर दिया। तो तुम तो इन सबसे भी कहीं ज्यादा बड़े क्रूरतम तानाशाह रहे हो। तो इन तीन तानाशाह का उन्होंने उल्लेख किया था। प्रश्न संख्या 11 है, विदाई संभाषण तत्कालीन साहसिक लेखन का नमूना है, सिद्ध कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेज सरकार द्वारा जो है आपका प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता था, लेखन पे प्रतिबंध था, लेकिन जो विदाई संभाषण लिखा गया वो इस समय का साहसिक कार्य था। क्यों? क्योंकि इतने प्रतिबंध के बावजूद बालमुकुंद जी ने इतनी सारी बातें एक अंग्रेज वायसराय के खिलाफ लिखी। माना कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उसे बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। तो इसे आपको ये बताना है कि एक साहसिक लेखन का नमूना है, सिद्ध कीजिए। क्योंकि करजन को बहुत सारी चीज़ें समझा रहे थे, उन्हें उनका आईना दिखा रहे थे कि तुमने ये काम किए। विदाई संभाषण जैसा व्यंग्यात्मक, विनोद प्रिय, चुलबुला, जोश भरा, ताजगी वाला गद्य पढ़कर ऐसा एहसास नहीं होता कि उस समय लॉर्ड कर्जन ने प्रेस पर पाबंदी लगाई हुई थी। अब यहाँ पर मैंने बोला ना कि सारी चीज़ें उन्होंने डायरेक्टली नहीं समझाई थी, या तो वो चुलबुलापन था, लोक कथाएँ थीं, लोक गीत थे, इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो ये गद्य हमें पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि उस समय जो है, अगर कर्जन ने प्रेस पर पाबंदी लगाई थी तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ तो किसी को भी लिखने वाले को तुरंत बंदी बना लेना चाहिए था और उसके लेख को जब्त कर लेना चाहिए था। लेकिन ये लेख तो सामने आया, प्रेस में छपा भी। तो कहने का मतलब है कि ये गद्य पढ़कर ऐसा लगता नहीं है कि कर्जन ने कभी प्रतिबंध लगाया होगा। ऐसा नहीं है कि ये बात गलत थी कि प्रतिबंध नहीं था, प्रतिबंध तो था, लेकिन उन्होंने ये लिखा ही इस ढंग से था कि अंग्रेजों को समझने में ही टाइम लगे। इस गद्य में आतताई की पीड़ा की चुभन का एहसास कराया गया, जो अपने आप में एक साहसिक कदम था। यानी आतताई अर्थात लॉर्ड कर्जन ने क्या गलत काम किए, इस चीज को बताया गया था। इस गद्य में इतने प्यारे व्यंग्यात्मक बाण छोड़े गए कि कर्जन तो कर्जन है, आज भी कोई कठोर शासक घायल हुए बिना नहीं रह सकता। मतलब इतने प्यार से उसको तराश तंज मारा गया है कि वो बेचारा कर्जन ही समझने में उसको, कि आज के लोग भी उससे घायल होकर बिना नहीं रह सकते, कि ये मेरी तारीफ कर रहा है कि मेरे को तंज कर रहा है, ये समझने में टाइम लगेगा। अतः इससे साहसिक लेखन को नमूना ही नहीं आदर्श भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता की लाचारी को कर्जन की व्यवस्था से जोड़कर लिखना लेखन की कलात्मक प्रस्तुति है। यानी कि कर्जन ने जो काम किया उस बात को उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया है कि इसे हम लेखक की बहुत ही उम्दा प्रस्तुति बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पाठ में वर्णित किन कार्यों को आप लॉर्ड कर्जन की क्रूरता की संज्ञा देंगे, कि लॉर्ड कर्जन ने बहुत बड़ी क्रूरता करी है, इसे कौन कौन से कार्य आप बताएंगे। सर्वप्रथम, भारत की शासन व्यवस्था में गोरों का वर्चस्व और देश के संसाधनों को अंग्रेज के हितों के लिए प्रयोग में लाना गलत था। बात सही है भाई, ये जो पृष्ठभूमि है यानी कि हमारा जो देश है वो ब्रिटेन देश से बिल्कुल अलग है। बाहरी लोगों ने आकर यहाँ पर कब्जा किया, अपना वर्चस्व स्थापित किया, यहाँ के लोगों को अपनी समितियों में यहाँ के लोगों का कोई मतलब उन्होंने नहीं रखा। यहाँ के जितने संसाधन थे उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किए या अपने देश के लिए भिजवा दिए उन्होंने। दूसरे, सरकारी निरंकुशता के लिए प्रेस पर प्रतिबंध लगाना। दूसरा जो काम किया वो था प्रेस पर प्रतिबंध लगाना, ये भी एक बहुत ही गलत कार्य था।
तीसरा बंगाल का विभाजन जैसा घटित कार्य तानाशाह कर्जन को क्रूरता की संज्ञा देने के लिए काफी है। तीसरा, कर्जन ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था बंगाल का विभाजन। ये बहुत ही क्रूरता का काम था कि भारत के एक अंग को आप उसी से अलग करो। अब हमारा ही कोई एक अंग हमसे अलग कर दे तो क्रूरता है कि नहीं? भारत भी तो एक पूरा शरीर है, बंगाल को उससे अलग कर देना कहाँ की समझदारी थी? उसने अलग किया। इसी कारण से उस व्यक्ति में इतना अहंकार आ गया कि वहां मनमाने लोगों की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार को बाध्य करने लगा। तो अब उसने इतने सारे काम किए कि उसको लगा कि नहीं, हम सारे काम कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार हमसे खुश है तो हम जो चाहेंगे वो करके देगा। इसीलिए उसने अपने मनमानी सैनिकों को वहाँ पर, अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए सरकार को बाध्य करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन सरकार ने नहीं मानी थी वो बात, है ना। प्रश्न संख्या 13 है, विदाई संभाषण पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ये पूरा पाठ हमने देखा कर्जन के बारे में, कर्जन की नीतियों के बारे में, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के बारे में, भारतीयों की तकलीफों के बारे में, और अपने किए गए बुरे कृत्य का नतीजा भी कर्जन को किस तरीके से मिला, ये सब चीज़ें बताई गई और बालमुकुंद जी ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। तो उसका प्रतिपाद्य लिखते हैं, शिव विदाई संभाषण उनके सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति शिव शंभू के चट्टे का एक अंश है। तो बालमुकुंद जी का जो एक कृति है शिव शंभू के चट्टे, उन्हीं में से ये विदाई संभाषण एक है। ये पाठ भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल 1899 से 1904, फिर 1904 से 1905 तक दो बार वायसराय रहे हैं, वो दो बार रहे, पहली बार 1899 से 1904 तक रहे, ये 5 साल का इनका था। फिर उसके बाद 1904 से 5 सिर्फ 1 साल रहा, क्योंकि ये इस समय तक बेहद निरंकुश व्यक्ति बन चुके थे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करते हैं। दो इनके कार्यकाल रहे, भारतीयों की क्या स्थिति थी इसका खुलासा किया गया है। उनके शासन काल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना था। हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जितना भी काम प्रगति का हो, जो कुछ हो, सब पर अंग्रेजों का वर्चस्व। तो भारतीय लोग उस समिति या संगठनों में आते ही नहीं थे, उनको शामिल ही नहीं करते थे वो मतलब जितने भी अधिकारी होंगे सब अंग्रेज होंगे। भाई भारतीयों की अगर प्रॉब्लम तक, उनकी समस्याओं तक आपको पहुंचना है तो भारतीयों के दिलों को समझना होगा। उसके लिए आपको जो भी संगठन या संगठन आप नियुक्त कर रहे हो उसमें भारतीयों को तो हिस्सेदारी दो, जब तक आप नहीं दोगे तब तक काम ही नहीं चलेगा। तो सारा वर्चस्व किसका होता था? अंग्रेजों का होता था, और इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हितों में सर्वोत्तम उपयोग करना था। यहाँ जितने संसाधन, जितनी चीजें थी, वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए वे इस्तेमाल करते थे। वे कांग्रेस एवं शिक्षित वर्गों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उस समय जो एकमात्र सरकार हमारी, जो राजनीतिक संगठन कांग्रेस थी, उसको और जो शिक्षित लोग थे उन्हें पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी, क्योंकि ये उनके शासन की सच्चाइयों को समझते थे। इस स्तर पर कांग्रेस कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करी। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्होंने देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। यानी कि वो काउंसिल, जैसे अभी संसद है ना, उस तरह पहले काउंसिल हुआ करती थी। तो काउंसिल में वो चाहते थे कि वो अपने मन के सदस्यों को काउंसिल में नियुक्त कराएं। तो जब नहीं हुआ तो उन्हें देश में भी और विदेश, यानी कि अपने देश यानी ब्रिटेन में भी और यहाँ विदेश यानी भारत में भी, दोनों जगह नीचे देखना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने उनकी इस बात को मानने से मना कर दिया था। शुद्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। इस पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी की को व्यंगात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से भारतीय लोग लाचार थे, इस पर उन्होंने व्यंग किया। साथ ही साथ कर्जन के साथ इसको जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि कर्जन इन सारी लाचारियों के जिम्मेदार रहे हैं। तो पूरे पाठ में ये चीज उन्होंने हमको बताई है। साथ ही ये दिखाने की कोशिश की है कि शासन के आततायी रूप में हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यानी कि अगर आपका शासक आततायी है, यानी कि वो आपके बारे में कुछ नहीं सोचता, तो उसमें आम जनता को तो परेशानी होती है, लेकिन उच्च पदों पर बैठे हुए लॉर्ड कर्जन जैसे वायसराय को भी परेशानी होती है।
तो ब्रिटिश सरकार कितनी आयत आई थी इसका खामियाजा भारतीय जनता ने भी देखा और वारसराय लॉर्ड कर्जन जैसे लोगों ने भी देखा। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस की पाबंदी का दौर चल रहा था, यानी कि जब कर्जन ने प्रेस पर पाबंदी लगाई थी। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का नमूना है। जब प्रेस के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, उस समय इतने बेहतरीन ढंग से ये गद्य लिखा गया कि लोगों को ये समझ में ही ना आए कि बात कही क्या जा रही है, क्या अंग्रेज सरकार के खिलाफ है कि भारतीयों के खिलाफ है, इसे समझने के लिए भी टाइम लगे। तो मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ ना सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले वक्तव्य समझिए कि आंख बंद कर लेना, आंख बंद कर लेने का तात्पर्य यहां यह नहीं कि लिटरली हमने आंखें बंद कर ली। यहां पर आंख बंद करने का तात्पर्य यह है कि जो भी शासक जहां पे भी शासन कर रहा है, मान लीजिए इतने राजा महाराजा हुए, फिर मुगल आए, मुगलों के बाद में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश शासन आया, तो ये हमेशा इन्होंने भारतीयों पर शासन किया। अब भारतीयों पर जो शासन करने वाला व्यक्ति है वो आंख बंद करने का तात्पर्य है कि वो वहाँ की जनता के सुख दुख तकलीफ को ना देखे, वो सिर्फ अपने हिसाब से काम करे। तो वही दिया, आंख बंद करके मनमाना हुक्म चलाना, यानी कि यहाँ के लोगों को क्या परेशानी है ये नहीं देखना और अपने हिसाब से शासन चलाना ही क्या शासन है, ये वक्तव्य है। ये इसके हिसाब से इन पंक्तियों को ध्यान में आपको बताना है कि शासन क्या होता है और ये चीज आप यहां पर क्लियर करेंगे। शासन का अर्थ है सुव्यवस्था या प्रबंध, यानी कि जहां पर भी आप शासन कर रहे हो वहां सुव्यवस्था होनी चाहिए, किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, हर एक चीज आसानी से मुहैया हो, किसी को कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो, चोरी नहीं हो, अपराध ही नहीं हो, इस तरीके का। जैसे हम लोग बोलते हैं राम राज्य, राम जी के समय जो राज्य था वहाँ के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, राज्य में सभी लोग संपन्न थे, तो वो एक सुशासन या बेहतरीन प्रबंध कहा जा सकता है। यह प्रबंध जनता के हितों के अनुसार होना चाहिए। कोई भी शासक अपनी इच्छा से शासन नहीं कर सकता है, यानी कि हम चाहें कि हम अपने हिसाब से शासन करें, ऐसा नहीं होता। हमें यह देखना है सामने वाले को क्या चीज़ चाहिए, हमें उसका प्रबंध करना है, उसके लिए उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, साफ सड़कें चाहिए, अच्छी हवा चाहिए, प्राकृतिक माहौल चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, होता है ना, बहुत सारी व्यापार चाहिए, काम चाहिए, होता है। तो वही चीज़ें हैं कि हम जिस पर शासन कर रहे हैं उसे क्या चीज़ चाहिए, ये सोच कर ही हम शासन करते हैं। जिद्दी शासक के कारण जनता झुकी रहती है और उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। जो व्यक्ति अपने हिसाब से शासन करता है जनता हमेशा उसके खिलाफ खड़ी रहेगी। शासक को सभी वर्गों के अनुसार काम करना होता है। सिर्फ ये नहीं देखना कि भाई व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, वो ये नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कृषक वर्ग भी क्या चाहता है, ठीक है, कर्मचारी वर्ग क्या चाहता है, उसे सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। प्रजा को अपनी बात कहने का हक होता है। यदि शासन में कोई परिवर्तन करना भी हो तो उसमें प्रजा की सहमति होनी चाहिए। अगर हम शासन में कोई भी चीज़, मतलब कोई भी नियम या कायदे में हम बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए हमें जनता का ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है। क्या जनता इस चीज़ से सहमत है? नहीं, तो अगर नहीं सहमत होती तो वो सारी चीज़ें, नियम कायदे नहीं लागू किए जाते हैं। तो यही होती है एक सुशासन, जहां पर हमें जनता की सारी चीजों को समझना होता है। प्रश्न संख्या 15 है, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद्द है, कर्जन के संदर्भ में क्या आपको ये बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। हमें तो लगता है एकदम सही है, क्योंकि नादिर शाह ने, नादिर का मतलब क्या, नादिर शाह जानते हैं आप, एक आतताई था, हाँ, उसने जब दिल्ली में मारकाट मचाई और लूट किया तो उस समय आसिफुद्दौला जो है वहाँ के शासक थे, उन्होंने जब नादिर शाह से रिक्वेस्ट करी तो नादिर शाह ने वो सारी लूटपाट रोक दी थी। लेकिन कर्जन ने जब बंगाल विभाजन की बात करी
तो करोड़ों लोगों ने इसके लिए उनसे प्रार्थना करी कि आप कृपया करके ये बंगाल विभाजन मत करिए, लेकिन उसने ये बात मानी ही नहीं और उसने बंगाल विभाजन कर दिया। तो इसीलिए लेखक ने उन्हें करजन को जो है वो नादिर शाह से भी बड़ा जिद्दी या आतिताई बताया है। करजन के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही है। नादिर शाह निरंकुश शासक था, जरा सी बात पर उसने दिल्ली में कत्लेआम करवाया, परंतु आसिफ जहां के गले में तलवार डालकर उसके आगे समर्पण कर कत्लेआम रोकने की प्रार्थना की तो तुरंत उसने रोक दिया। करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 8 करोड़ भारतीयों ने बार बार विनती की, परंतु उसने जिद नहीं छोड़ी। इस संदर्भ में करजन की जिद नादिर शाह से बड़ी है। उसने जनहित की उपेक्षा करी, यानी कि एक ने जो है रिक्वेस्ट करने पर कत्लेआम छोड़ा, लेकिन करजन ने तो वो करजन ने वो बात नहीं मानी और बंगाल विभाजन कर दिया। इसीलिए नादिर शाह से ज्यादा जिद्दी करजन को बताया गया है। प्रश्न संख्या 16 है। पाठ का यह अंश शिव शंभु के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभु का नाम की चर्चा पाठ में हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया है? अब उन्होंने जो अपनी कृति है शिव शंभु के चिट्ठे, उसमें कई सारी रचनाएं एकत्र करी, उसी में से एक हमने ये हम पढ़ रहे हैं, विदाई संभाषण, ठीक है। तो आखिर उन्होंने शिव शंभु नाम क्यों रखा? उनका खुद का नाम तो था नहीं, तो उन्होंने क्यों रखा? इस नाम के बारे में पाठ में क्या उल्लेख है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या है, शिव शंभु एक काल्पनिक पात्र है जो भांग के नशे में डूबा रहता तथा खरी खरी बात कहता था। मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति था, एक काल्पनिक पात्र है, एक्चुअल में वो पात्र कहीं नहीं है, उन्होंने एक इमेजिनेटिव जो है करेक्टर खड़ा किया है, जिसके बारे में उन्होंने जो एक कहते हैं, जब हम करेक्टर खड़ा करते हैं तो उस करेक्टर के बारे में भी कुछ चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। तो वो व्यक्ति जो उन्होंने करेक्टर खड़ा किया, वो भांग के नशे में रहता था और हमेशा अगर कोई भी बात होती थी सामने फटाक से उस सामने वाले के मुंह पे बोल दिया करता था। उसे नहीं पता फर्क पड़ता कि सामने वाले को क्या बुरा लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है, वो अपनी बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बोलता था। लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के कारण किया। सरकारी कानून क्या था? प्रेस पर प्रतिबंध होना। अब प्रतिबंध था तो लोग अपने मन की बात नहीं कह पाते थे। अब शिव शंभु क्या है, वो तो नशेड़ी आदमी, ठीक, तो वो तो जो चाहेगा वो बोलेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, सरकार भी नहीं रोक सकती, तो इसलिए उन्होंने इसका उल्लेख किया। करजन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह निरंकुश शासक था, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने की हालत नहीं थी, किसी की नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार से सीधे टक्कर ले ले कि नहीं हम लिखेंगे, परंतु शासन की पोल खोलकर जनता को जागरूक भी करना था, अतः काल्पनिक पात्रों के जरिए अपनी इच्छा अनुसार बातें कहलवाई जाती थी। तो अब अगर बालमुकुंद जी अब सरकार के खिलाफ अगर ये लिखते रिटन बाय बालमुकुंद गुप्त, कोई भी चीज़ जैसे लिखते जो सरकार के खिलाफ होती और नीचे अपना नाम दे देते तो क्या होता, उन पर बालमुकुंद जी पर कार्रवाई हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिख दिया कि शिव शंभु। अब शिव शंभु के बारे में जब खोजा जाए तो पता चले कि भाई वो तो एक नशेड़ी व्यक्ति है, तो अब उस पर क्या कार्रवाई होगी, उस व्यक्ति पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब इसी का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, आप सभी लोग मुंशी प्रेमचंद जी से अच्छे से वाकिफ होंगे, वाकिफ है ना, तो वो भाई आप जानते हैं बहुत अच्छे कथाकार रहे हैं और उन्होंने हमेशा सरकार के खिलाफ लिखा, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ शासन के खिलाफ लिखना कहा, लेकिन उनकी कथाएं हमेशा प्रतीकात्मक रहती थी। जैसे कि हम लोगों ने याद होगा क्लास 9th में 2 बैलों की कथा पढ़ी थी, तो उसमें जो 2 बैलों की कथा थी वो क्रांतिकारी थे और वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस तरीके से प्रतीकात्मक जो है वो कथाएँ लिखा करते थे, लेकिन चूंकि अब जब ये लिखते थे तो भी सरकार के विरुद्ध हो जाया करता था, सरकार समझ जाती थी, तो उन्होंने भी 2 तरीके निकाले लिखने के। पहला, उनका आप सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद जी का नाम, उनका ये नाम नहीं, उनका असली नाम था धनपत राय। अब जब वो हिंदी में लिखते थे, हिंदी में ये कथाएं, क्योंकि वो हिंदी और उर्दू दो भाषाओं में लिखते थे, जब वो हिंदी में लिखते थे तब वो रिटन बाय लिखते थे मुंशी प्रेमचंद, और जब उर्दू में लिखते थे तब लिखते थे रिटन बाय नवाब राय।
इससे जो है ना, जब उन इन दोनों राइटर्स को खोजा जाए तो ऐसे तो कोई राइटर ही नहीं है, लिखा किसना, प्रेमचंद जी ने, तो इस तरीके से वो कार्यवाही से बच जाया करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर शिव शंभू जी का नाम लिखने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि सरकार के खिलाफ हम लिख सकें और हम पर कोई कार्रवाई भी ना हो। प्रश्न संख्या 17 है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया? आपके यानी कि करजन और यहाँ के निवासियों यानी कि भारतीयों, इन दोनों के बीच एक तीसरी शक्ति की बात की गई है, वो तीसरी शक्ति कौन सी है ये आपको बताना है। यहाँ तीसरी शक्ति से अभिप्राय ब्रिटिश शासकों से है। अब देखिए, करजन जो है वो खुद ब्रिटिश शासक था, लेकिन वो एक निरंकुश शासक था, उसके ऊपर भी और लोग बैठे हुए थे, है ना, तो वही चीज़ है, जनता थी, वायसराय करजन था और उसके ऊपर बैठे ब्रिटिश शासक भी थे। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया का राज था उस समय, अब ब्रिटिश शासक इस समय विक्टोरिया के राज में ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, तो विक्टोरिया जो है वो सबसे ऊपर बैठी हुई थी। इन्हीं के आदेशों का पालन वायसराय करता था, वह ब्रिटिश हितों की रक्षा करता था। करजन की नियुक्ति भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। जब ब्रिटिश शासकों को लगा कि करजन ब्रिटिश शासकों के हित नहीं बचा रहा है तो उन्होंने उसे हटा दिया। उस समय करजन को भारत छोड़ने की आशा नहीं थी। करजन को भारत में स्थापित करने का काम भी ब्रिटिश शासकों यानी कि विक्टोरिया के आदेश पर किया गया था, ठीक है, चाहे उसका पहला कार्यकाल हो चाहे दूसरा कार्यकाल हो, और उसको वहां से हटा देने का भी फैसला ब्रिटिश शासकों द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पर तीसरी शक्ति कौन थी? रानी विक्टोरिया यानी कि शासक उस समय की जो शासक थी। प्रश्न संख्या 18 है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे? आश्रय स्पष्ट कीजिए। ये करजन के लिए जो है लिखा गया है, लेखक ने लिखा है कि सोचिए कि आप कितने बड़े थे और आज भाई हाथी पर बैठकर चलते थे, ठीक है, छत्र लगाकर चलते थे, जो एक किसी राजा या ईश्वर की सवारी के लिए निकलता है वो छत्र लगा कर चलते थे, क्या शान शौकत थी, और आज क्या था कि आप अपने तीन शासकों को वहाँ, तीन अधिकारियों को नियुक्त कराना चाहते थे कौंसिल में और ब्रिटिश शासन ने आपकी बात नहीं मानी। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। इसका मतलब देखिए क्या, ये कथन लेखक द्वारा लॉर्ड करजन को संबोधित करते हुए कहा गया है। उस समय जबकि कौंसिल में मनपसंद सदस्यों की नियुक्ति करवाने के मुद्दे पर लॉर्ड को अपमानित होना पड़ा था, यानी कि वो चाहता था कि मेरे मन की बात हो, लेकिन जो है वो सरकार ने बात नहीं मानी उसकी और उसे अपमानित होना पड़ा। उसने बोला कि हम इस्तीफा दे देंगे और उसने इस्तीफा दिया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया ब्रिटिश शासन ने, तो यहाँ पर उसका अपमान हुआ ना करजन का। फिर लेखक याद दिला रहे हैं कि आपको भारत में बादशाह के बराबर सोने की कुर्सी मिली, आपको सबसे ऊंचा औहदा मिला, आपकी सवारी सबसे ऊंची निकलती थी, और कैसी विडंबना है कि आज आप ना इंग्लैंड में मान पा रहे हैं और ना ही भारत में उस पद पर रह सके हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत में आपकी कितनी शान शौकत थी, राजा के बराबर आपको कुर्सी मिलती थी, उससे ऊंची आपकी सवारी निकलती थी, सब कुछ था, लेकिन अब आपका क्या है, आपका कोई मान सम्मान यहाँ नहीं बचा कि आप अपनी मर्जी से तीन लोगों को आप काउंसिल में नियुक्त नहीं कर सकते। तो ये चीज उन्होंने इसीलिए कही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका हुक्म बजाने के लिए आप भारतीय जनता का शोषण करते रहे, आज उन्होंने ही आपको ठुकरा दिया, आपका मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया। लेखक चाहता है कि करजन सोच कर देखे कि अकारण हमारे हितों को कुचलकर, हमारे देश को काटकर आज उसे क्या हासिल हुआ, यानी कि आपने जिसके हुक्म में काम किया आज उसी सरकार ने आपकी भी बात नहीं मानी, और आपको क्या हासिल हुआ हमको इतना प्रताड़ित करके, आपको भी कुछ हासिल नहीं हुआ, आपको भी आखिरकार जो है यहाँ इस देश से अपमानित होकर वापस जाना पड़ रहा है। प्रश्न संख्या 19 है, करजन के जाने के समय हर्ष की जगह विषाद क्यों हो रहा था? करजन एक आततायी था, उसने हमेशा भारतीयों के खिलाफ ही कार्य किया, यहाँ की जनता को सताना, ये सारे ही काम उसने किए, लेकिन जब वो जा रहा था तो भी यहाँ के लोगों को तकलीफ क्यों थी? भाई वो रहा तो कुछ समय हमारे साथ था ना, लोगों को प्रसन्न होना चाहिए था, तब भी क्यों था? क्योंकि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा अपमानित होकर जा रहा था,
जिस शानो शौकत से वो यहाँ रहा था, आज वो शानो शौकत उसकी बरकरार नहीं थी। उसे यहाँ से अपमानित होकर जाना पड़ रहा था। करजन के जाने के समय हर्ष की जगह विषाद हो रहा था, क्योंकि करजन सर्वाधिक शक्तिशाली वारसराय होते हुए भी उसने देश हित में कोई काम नहीं किया। अहंकार, गलत नीतियों व कार्यों के कारण उसके त्याग पत्र की पेशकश को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि उसने जो ब्रिटिश सरकार है उसको मजबूत करने की पूरी कोशिश करी, सारे काम वो किए कि ब्रिटिश जो है सरकार वो मजबूत हो। यही करते करते उसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि उसने अपने मन मुताबिक नीतियां चलानी शुरू कर दी, जिसके कारण उसे त्यागपत्र देने का नौबत आई और ब्रिटिश सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया। अब वह इंग्लैंड वापस जा रहा है। ऐसे में भारतीयों को हर्ष होना चाहिए, किंतु भारतीय संस्कृति में विदाई का वक्त लोग दुखी हो जाते हैं, इसीलिए करजन के जाते समय भारतीयों को विषाद हो रहा है। हम भारतीय, हमारे पास क्या है कि भाई हम अपनी संस्कृतियों से, अपने जज्बातों से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो बेसिकली अगर किसी ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, तुमको तकलीफ दी है, तो वे व्यक्ति जा रहा है तो हमें खुश होना चाहिए। लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार जब विदाई का समय आता है तो वो थोड़ा सा शोक का समय हो जाता है, और इसीलिए जब आज करजन यहाँ से जा रहे हैं तो वो हमें दो जो है दुख या तकलीफ देकर वो हमारे मन में उत्पन्न हो रही है। प्रश्न संख्या 20 है, सूत्रधार कौन है और उसके द्वारा खेल खेलने से क्या अभिप्राय है। अब इस पाठ में आपको बताना है सूत्रधार कौन है और खेल खेलने से क्या अभिप्राय है। सूत्रधार इंग्लैंड के शासक हैं भाई, जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और भारत पे शासन कर रहे हैं। तो सूत्रधार का मतलब क्या होता है, जिसके अनुसार सारे कार्य होते हैं, जो पूरे नाटक या कहानी को लिखता है। तो लिखने वाले कौन है, इंग्लैंड में बैठे शासक यानी कि रानी विक्टोरिया। वह भारत पर वायसराय के जरिए शासन करता है। कौन कर रहा है, वो कर रहा है किसके जरिए, वायसराय के जरिए। वायसराय वो वहाँ पे इंग्लैंड में बैठ के यहाँ भारत में वायसराय नियुक्त करता है और वो वायसराय जो है वो यहाँ पर शासन करता है। वायसराय को अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने हेतु कार्य करने की छूट दी जाती है, कि मतलब आपको यहाँ पर अगर अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो आपको कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं कि इस अनुसार आप काम करिए। अगर वह सही ढंग से काम नहीं करता तो उसे हटाने का अधिकार राजा को है। अगर वायसराय ठीक ढंग से काम नहीं करता है तो उसको हटाने का काम किसको दे दिया जाता है, राजा अर्थात रानी विक्टोरिया को। उसने करजन को दोबारा वायसराय बनाया ताकि वह भारत में अंग्रेजों के अनुकूल नीतियां बनाए, इसीलिए उसे दोबारा नियुक्त किया गया था। परंतु करजन के निरंकुश शासन से अंग्रेजी विरोधी माहौल बन गया। अब क्या हुआ, जो उसने नीतियां चलाई उससे जो है भारतीय जनता पूरी तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। सबसे बड़ा कारण बंग भंग का था, तो इस वजह से पूरी भारतीय जनता अंग्रेजों के विरोध में आ गई थी। अतः करजन को बीच में ही हटा दिया गया और इसी को सूत्रधार को खेल खेलना कहा गया। जब देखा कि भाई ब्रिटिश सरकार को इसकी नीतियों के द्वारा इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो उनका कार्यकाल भाई 5 साल का कार्यकाल दोबारा दिया गया था, लेकिन उसे 1 साल में ही दोबारा वहां से हटाकर वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। तो इसी को बोला गया सूत्रधार का खेल, यानी सूत्रधार कौन, इंग्लैंड के शासक यानी रानी विक्टोरिया, और खेल क्या खेला, वायसराय लॉर्ड कर्जन को वापस इंग्लैंड बुला लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, करजन की भारत में कैसी शान शौकत थी, पद त्याग की धमकी से ऊंचे ना होने से क्या अभिप्राय है। अब करजन की शान शौकत यहाँ पर एकदम राजाओं महाराजाओं से भी कहीं ज़्यादा थी। ऊंचा पद था, बड़ी बड़ी उनकी सवारियाँ निकलती थी, उन्हें उतना ऊंचा ओहदा, मतलब सिर्फ ये नहीं था, ओहदा उनका वायसराय का अगर था तो उनको उतना ही सम्मान यहाँ पर मिला भी हुआ था, क्योंकि सब भाई वायसराय का मतलब भाई राजा किसी राज्य का होगा, वायसराय का मतलब वो पूरे भारत पर राज करेगा ना, ब्रिटिश सरकार की तरफ से पूरा भारत पर राज करेगा। अब इस कारण से उनका ओहदा बहुत ही ऊंचा था, लेकिन पद त्याग की धमकी जब उन्होंने दी तो उनकी ये सारा ओहदा धरा का धरा रह गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उनके इस्तीफे को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। करजन बहुत शक्तिशाली वायसराय था, उसे कल्पना से अधिक मान सम्मान व शान शौकत मिली थी। उसने दिल्ली के दरबार में इतना वैभव देखा था जितना अलादीन ने चिराग रगड़ कर व अब्दुल हसन ने बगदाद का खलीफा बनकर भी नहीं देखा था।
शान और शौकत देखने का मतलब है कि इतना धन संपदा, इतना मान सम्मान सब कुछ उसको मिला था। उसकी उसकी पत्नी की कुर्सी सोने की बनी थी। उन्हें इंग्लैंड के राजा के भाई से भी अधिक सम्मान मिलता था। जुलूस में इनका हाथी सबसे आगे व सबसे ऊंचा चलता था। ईश्वर महाराज एडवर्ड के बाद कर्जन को ही माना जाता था, यानी कि उस समय ईश्वर होते थे, उसके बाद महाराज एडवर्ड और उसके बाद कर्जन, ये उनका ओहदा था भारत में। अब सोचिए कितना ज्यादा ओहदा था। कर्जन ने वायसराय की काउंसिल में मनपसंद फौजी अफसर रखना चाहा। इसके लिए गैर कानूनी बिल भी पास किया। इस कार्य की हर जगह निंदा हुई। इस पर उन्हें पद त्याग की धमकी दी। उसके इस्तीफे को बादशाह ने मंजूर कर लिया, बादशाह यानी इंग्लैंड के राजा। कर्जन का पासा उलट गया और पद लेने की बजाय पद छोड़ना पड़ा, यानी कि वो पद दिलाना चाहते थे, लेने की बजाय क्या हुआ, उनको वो पद छोड़ना पड़ा था। प्रश्न संख्या 22 है, कर्जन किस लिए प्रसिद्ध थे, उनका भारत व इंग्लैंड में दिवाला कैसे निकला। अब कर्जन किस लिए, भाई वायसराय थे, उनकी जो नीतियां थी ऐसी सभी, इसी वजह से, और सबसे ज़्यादा बंगाल विभाजन की वजह से वो प्रसिद्ध थे। और उनका दीवाना क्यों निकला, इंग्लैंड और भारत दोनों ही जगह, क्योंकि वो काउंसिल में अपने मनपसंद का व्यक्ति चाहते थे और उनको जो है सरकार ने पसंद नहीं किया और उन्हें वापस बुला लिया गया था। कर्जन धीरता व गंभीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कर्जन ने काउंसिल में बंगाल विभाजन जैसा गैर कानूनी कानून पास करवाया। कन्वोकेशन में भारत विरोधी बातें कही, इससे उनकी घटिया मानसिकता का पता चलता है। भारत में इनका पुरजोर विरोध किया गया, उधर इंग्लैंड में इस्तीफे की धमकी से इनकी कमजोर स्थिति का पता चल गया। ब्रिटिश सरकार ने इनकी कमजोर हालत के कारण इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब इनकी कमजोर हालत कैसे बनी, भाई ओहदा उनका यहाँ भारत में बहुत ऊंचा था, लेकिन वो जितनी भी नीतियां ला रहे थे, जो कुछ भी वो कर रहे थे, उसके कारण भारतीय जनता उनसे नफरत करने लगी थी, नाखुश रहने देती, जो ब्रिटिश शासकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। भाई आप अगर कहीं शासन कर रहे हो और जनता आपके खिलाफ होगी तो जाहिर सी बात है अभी नहीं तो कुछ दिन में विद्रोह पनपेगा ही पनपेगा, और वो जब विद्रोह पनपेगा तो वो सरकार के लिए खराब होगा, जो बाद में हुआ भी। जब कर्जन चले गए 1905 के बाद में, तो भारत में आपने देखा कि पहले 1857 से ही जो है प्रबल रूप से विद्रोह शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे तैसे उसे दबा के रखा गया था। लेकिन 1905 के बाद कर्जन के ये जो बंगाल विभाजन का जो नतीजा निकला, उसकी वजह से तो भारतीय जनता एकदम ज्यादा विद्रोह में आ गई, और नतीजा क्या हुआ कि आखिरकार जो है वो विद्रोह को इंग्लैंड सरकार झेल नहीं पाई थी, है ना, इंग्लैंड शासक कहाँ सहन पाए, तो ये डर जो है इंग्लैंड के लोगों में, इंग्लैंड शासक के मन में बैठ गया था कि भारतीय जनता के विरुद्ध उन्होंने इतनी सारी नीतियाँ कर दी हैं कि वहाँ की जनता इतनी ज़्यादा नाखुश हो गई है कि वो कभी भी जो है विस्फोट हो सकता है विद्रोह का, इसलिए इनको पहले वापस बुला लो। जब उन्होंने इस्तीफा देकर धमकी देने की बात की तो ठीक है भाई हम आपका इस्तीफा मंजूर करते हैं, आप वापस चले आइए। प्रश्न संख्या 23 है, लेखक ने भारतवासियों के किससे छुटकारा पाने की बात कही है। कर्जन अपने ही फैलाए जाल में फंसकर रह गए कैसे। अब किस भारतवासियों ने किससे छुटकारा, कर्जन से छुटकारा पाने की बात की, क्योंकि कर्जन एक निरंकुश शासक के रूप में पूरे भारत पर राज कर रहा था, किसी की बात भारतीयों के तो विरुद्ध था, उनके उनके अच्छे के लिए कभी कोई कार्य करता ही नहीं था। अब ये बात उन्होंने छुटकारे के लिए कही है, और दूसरा क्या है, वो अपने फैलाए जाल में कैसे फंस गए, उन्होंने जितनी गलत नीतियां करी थी उसी जाल में वो खुद भी फंस गए और जो है ब्रिटिश शासक उनसे नाखुश हो गए थे। लेखक ने भारतवासियों के कर्जन से छुटकारा पाने की बात कही है। भारतीय इसके इंग्लैंड वापसी के दिन गिर रहे थे, बात सही है, उसकी नीतियों की वजह से भारतीय उससे नाखुश थे और चाहते थे कि वो जल्द से जल्द वापस चला जाए। कर्जन ने जो कुछ सोचा उसके उलट हो गया। इस्तीफे की धमकी से उसने अपने पक्ष को सही ठहराना चाहा। उसने काउंसिल में अपने मन के अधिकारियों को जब नियुक्त करने के लिए बोला तो भाई सरकार ने माना नहीं, तो उसने बोला ठीक है आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो यही हुआ, उसने सोचा कि इस्तीफा अगर हम देंगे तो सरकार मेरी बात मान लेगी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, सरकार ने उसका इस्तीफा ही मंजूर कर लिया, उसकी बात को नहीं माना, परंतु उसका इस्तीफा ही मंजूर कर लिया गया। वह इस घटनाक्रम को संभाल नहीं पाया तथा अपने ही फैलाए जाल में फंस गया। जो वो सोच रहा था कि अगर हम इस्तीफा देंगे तो वो हमारी बात को मान लेंगे, ऐसा नहीं हुआ और अपने जाल में फंस गया और उसे वापस लौटना
पड़ा। इस तरीके से ये पाठ हमारा पूरा समाप्त हुआ। आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे अभी तक कि इस पाठ में क्या था। ये हम आपको पहले भी समझा चुके थे, चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे। जब हम चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते तो हमें कोई परेशानी नहीं होती किसी भी तरह के क्वेश्चंस को करने में। तो हमने तो पढ़ लिया अच्छे से और हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन इसी तरीके से और भी चैप्टर्स हैं जिनको हम लेकर जल्द ही आपके सामने आएंगे। लेकिन आपको साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के 100% फ्री एजुकेशन देता है। ये फ्री एजुकेशन के वीडियोस आपको मिलते हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इन तीनों ही जगह पे आप कहीं पे भी जाएंगे आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर आकर आप जितने चाहें उतने वीडियो देखिए और जितनी बार देखना है उतनी बार देखिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको एक वीडियो या दो वीडियो फ्री में दिखाएं उसके बाद कहें कि आपको कोई पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आइए, निश्चिंत होकर वीडियो देखिए, ना कोई पेमेंट, ना कोई पैकेज, ना कोई कूपन, कुछ भी आपको नहीं देना है, इत्मीनान से पढ़िए। हाँ, एक परेशानी ज़रूर होती है, जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमारा बहुत सारा समय सही वीडियो या सही टॉपिक सर्च करने में निकल जाता है, या एक टॉपिक से दूसरे वीडियो टॉपिक में हमें जब जाना होता है तो उस टॉपिक को सर्च करने में काफ़ी टाइम जाता है और हमें काफ़ी परेशानी भी होती है। इस परेशानी से आप जब आप हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर आकर जब पढ़ेंगे तो इस परेशानी से आप बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज की गई है। यानी कि जैसे कि हम अपनी स्कूल में एंटर करते हैं तो अपने स्कूल प्रेमिस में जाते हैं, फिर अपनी क्लास में जाते हैं, फिर क्लास में जाते हैं, फिर सब्जेक्ट टीचर आते हैं तो वो सब्जेक्ट की बुक हम निकालते हैं, फिर उसके बाद उस बुक में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर के का हम ओपन करते हैं बुक में। सेम वही तरीका यहाँ पर करना है आपको। सबसे पहले अपने स्कूल में एंटर करना है, यानी कि आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। आप इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, वो सिलेक्ट करते ही आपके सामने सारी क्लासेस हैं, अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए। क्लास सेलेक्ट करते ही आपको सब्जेक्ट देखना है और उसके बाद अपनी बुक देखनी है। जैसे ही आपने बुक सिलेक्ट करी आपके सामने उस बुक के सारे ही चैप्टर दिए हुए हैं। अब जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो चैप्टर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आपने क्लिक किया उसके अंदर हमने कई सारे पैटर्न कवर अप किए हैं। पैटर्न का मतलब है हम एक ही चैप्टर को कई वे में आपको समझाते और पढ़ाते हैं, जैसे जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए, तो हमारा फर्स्ट वीडियो रहता है हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन का, जिसमें आपका पाठ का सारांश है या पाठ की समरी वगैरह रहती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं NCERT सोल्यूशन, यानी कि उस चैप्टर के NCERT बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें विद सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिर एग्जाम में हमसे दो पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, वो भी हम पैटर्न कवर कराते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में रहते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में रहते हैं। तो दोनों तरह के पैटर्न हमने कवर करा दिए। इसके बाद हमारा एक रहता है वन शॉट रिवीजन, जिसमें हम पूरे चैप्टर को आपको रिवाइज कराते हैं फिर से फटाफट और कुछ क्वेश्चन भी क्विकली हल कर लेते हैं। ये सब तो हमने आपको सारे चैप्टर्स के साथ दिया, इसके अलावा एग्जाम्स के टाइम भी हम आपका साथ नहीं छोड़ते। उस दौरान भी आपके लिए हम बहुत सारे रिवीजन वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर्स लेकर आते हैं और साथ ही साथ बोर्ड क्लासेस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी विद सॉल्यूशन में आपके लिए रहते हैं, ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें और बढ़िया बढ़िया और मार्क्स लेकर आ सकें। तो बस बेफिक्र होकर पढ़िए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए, मगर टेंशन मत लीजिए। जितना आप स्ट्रेस लेकर पढ़ोगे आपको चीज़ें समझ में नहीं होंगी, तो इसलिए बहुत ही फ्री माइंड होकर अच्छे से पढ़ाई करिए। और बाकी सारी आपकी समस्याओं का हल लेकर हम सारे टीचर्स तो आते ही रहते हैं। कोई भी परेशानी है हमको आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, जहां पर हम आपकी सारी परेशानियों को हल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन इत्मीनान रखिए सारी परेशानियाँ आपकी हल करी जाती हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो अभी तो हमने वीडियो देख लिया ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।